तो आज के वीडियो में हम लोग एडी करंट्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या फिर एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक के लिए आपको ऐसे एक दरवाजे में से गुजरना पड़ता है, और अगर आपके पास कोई भी मेटल की चीज़ है तो अलार्म बज जाता है। तो अब उस दरवाजे में क्या होता है, मेटल डिटेक्टर होते हैं। अब अलग अलग तरह के मेटल डिटेक्टर आपको देखने को मिलते हैं और वो अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास, ये भी क्या है, मेटल डिटेक्टर है। अगर आपकी जेब में ऐसा एक सिक्का कॉइन है, मैं पास में लेके आऊँगा तो ये आवाज़ करना चालू करेगा। अगर आपकी बैग में फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक मेटल की प्लेट है, मैं इसको पास लेके आऊँगा तो ये जोर जोर से रोना चालू कर देगा। तो जो दरवाजे से गुजरने वाला जो मेटल डिटेक्टर होता है वो एडी करंट्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये भी देखें कि भाई वो कैसे काम करता है। तो अब तक हमने देखा कि अगर आपके पास एक सर्किट है, मतलब करंट को जाने के लिए एक प्रॉपर रास्ता है आपके पास, इसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट पैदा होगी। लेकिन अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा आपके पास एक प्रॉपर सर्किट हो, प्रॉपर पाथ हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा एक सिक्का है या फिर ऐसी एक मेटल की प्लेट है, ये दोनों कंडक्टर तो हैं लेकिन प्रॉपर सर्किट नहीं है। तो सवाल ये कि जब इसमें से फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा। तो इन केसेस में भी करंट पैदा होने वाली है, लेकिन जो करंट यहाँ पे पैदा होने वाली है वो काफ़ी अलग होगी जो करंट हमने अब तक देखी हुई है। जो करंट जो नॉर्मल सर्किट से प्रॉपर पाथ से गुजरती है उस करंट से काफ़ी अलग होने वाली है, और उस अलग करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एडी करंट बोलते हैं, जो भी हम देखेंगे। तो अब अगर मेरे पास ऐसी एक मेटल की प्लेट है, इसको मैं क्या करूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूँ। मेरे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें क्या करूँ, इस मेटल प्लेट को अपनी तरफ खींचूँ मैं, तो क्या होगा, इसमें ऐसी घूमती हुई जलेबी की तरह चक्कर काटती हुई करंट्स पैदा हो जाएंगे। तो अब अगर आप देखो मेटल के इस पार्ट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, तो लेंज लॉ के मुताबिक आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए ताकि इस इंक्रीज को अपोज करो, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। इस पार्ट में अगर आप देखो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो लेंज लॉ के मुताबिक जो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी ताकि इस डिक्रीज को रोके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी नीचे की डायरेक्शन में होनी पड़ेगी, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, तो काफ़ी बार आपने दरिया या फिर समुंदर में ऐसा भंवर या फिर वर्लपूल्स या फिर घूमता हुआ पानी देखा होगा, जिनको हम वाटर एडीज बोलते हैं। अगर आप देखो उसी तरह की आपको करंट्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो जैसे फैंटम मूवी में कैथरीना कैफ को अफगान जलेबी बोलते थे, इन करंट की जलेबियों को क्या बोलते हैं हम लोग, एडी करंट्स बोलते हैं। तो ये थी आपकी एडी करंट्स। ठीक है, तो जैसे हर एक चीज़ के कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं, इस चीज़ के भी कुछ फायदे हैं। एडी करंट्स को हम अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडी करंट्स को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिटार्डिंग फोर्स पैदा कर सकते हैं, यानी कि ऐसी फोर्स जो मोशन को अपोज करे, यानी एक आर्टिफिशियल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की तरह एक फोर्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई फ्रिक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी हम एक फ्रिक्शन की तरह एक अपोजिंग फोर्स पैदा कर सकते हैं जिसको हम अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि भाई एडी करंट्स के कारण रिटार्डिंग फोर्स कैसे पैदा होती है। ठीक है, आपके पास एक मेटल की प्लेट थी जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव किया, उसके कारण यहाँ पे एडी करंट्स पैदा हो गई। अब अगर आप देखो एडी करंट्स के कारण क्या हो गया, ये कंडक्टर जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। अभी अपने को पता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगी, और इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है इसको, और फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है, और ये वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है ये है रिटार्डिंग फोर्स। जब मेटल प्लेट को आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, आपको लगेगा कि भाई कोई मेटल प्लेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो सेम चीज़ को आप घर में एक बड़े सिंपल एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी एक मेटल प्लेट है उसको आप ऐसे लटकाइए, या फिर अगर आपके पास सोडा का कैन, कोल्ड ड्रिंक का कैन है उसको आप ऐसे लटकाइए और उसको ऐसे ऑसिलेट करवाइए, और देखिए कि भाई कितनी देर में ये रुक जाता है। उसके बाद क्या कीजिए, अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में दोबारा से इसको ऑसिलेट करवाइए और देखिए भाई कितना टाइम लगता है उसको दोबारा रुकने में। आप देखोगे भाई सेकंड केस में ये जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो उसको जल्दी रोक देगी। तो सेम प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स के लिए। काफ़ी बार ट्रेन्स में मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज़ होती हैं, काफ़ी बार आपके जो रोलर कोस्टर राइड्स हैं वहाँ पर आपकी मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज़ होती हैं। प्रिंसिपल सेम ही है, आपके पास ये चक्का है जो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया, जब आपको ब्रेक मारनी है तो क्या करोगे, आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से करंट पास करोगे, उसके कारण क्या होगा, इस चक्के में से एडी करंट्स पैदा होंगी, उसके कारण क्या होगा, एक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस चक्के पर जो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसको रोक देगी वो। एक बहुत बड़ा फायदा मैग्नेटिक ब्रेक्स क्या होता है कि भाई जैसे मैंने बोला कि भाई इस रिटार्डिंग फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और चक्का है ये कॉन्टैक्ट में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, जो तो ब्रेक्स के दौरान जो वियर टियर वो बहुत कम होता है यहाँ पे,
तो जैसे किसी भी चीज़ के खाली फायदे ही नहीं होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो इसी तरह से एडिक्शन के भी कुछ नुकसान हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडिक्शन की है कि भाई इसके कारण क्या होता है, हीटिंग पैदा होती है। हीटिंग पैदा हो रही मतलब एनर्जी लॉस होगा उसका, एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी को ज़ाया करोगे आप। तो अगर आपके पास एक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो आप जिसमें आपको पता है कि भाई इंडक्शन के कारण एडिक्शन पैदा होने वाली है, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे इस लॉस को कम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं जिससे आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो इंडक्शन पे काम करता है। तो उसके अंदर एक कोई आयरन कोर होती है, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी कॉइल्स की वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इंडक्शन काम कर रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे एडी करंट्स भी पैदा होने वाली हैं आयरन कोर में। इसलिए क्या होता है, जो आयरन कोर होता है अंदर, वो साबुत एक आयरन का ब्लॉक यूज़ नहीं करते हो आप, छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हो आयरन की, ठीक है, उनको जोड़ते हो आप, ऐसे जोड़ते हो उनको एडी करंट्स के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप हमेशा चाहोगे कि हीट ना पैदा हो, काफ़ी बार आप चाहोगे कि भाई एडी करंट के कारण जो हीट पैदा हो रही है उसको अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उसकी आप अंगीठी बना सकते हो, जिसको आप इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं, और उसको आप यूज़ कर सकते हो चीज़ों को मेल्ट वेल्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स को आप मेल्ट कर सकते हो उसको यूज़ करके। एक बहुत बड़ा फ़ायदा इंडक्शन फर्नेस का ये है कि भाई ये एक बड़ा ही कंट्रोल्ड तरीका है चीज़ों को गर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जितना मेटल का मेल्टिंग पॉइंट आप एग्जैक्टली उतना पैदा कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि भाई कंटेमिनेशन फ्री है, क्योंकि ना तो आप कोयला जला रहे हो उसमें, ना तो आप किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हो, स्टीम पैदा कर रहे हो, सिंपल बड़े दूर से आप इंडक्शन के जरिए उसमें हीटिंग पैदा कर रहे हो, तो कंटेमिनेशन होने का डर नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो दरवाजे से गुजर के जाने वाला जो मेटल डिटेक्टर है, जो काफ़ी बार आपको एयरपोर्ट्स में या फिर रेलवे स्टेशन में देखने को मिल जाता है, वो देख लेते हैं कि भाई वो कैसे काम करता है। तो ये है अभी वो खतरनाक दरवाज़ा जिसमें से आपको गुजरना पड़ता है। जब इस दरवाजे में से गुजर रहे हो और अगर आपके पास कोई भी मेटल का पीस है या फिर कॉइन्स हैं, आपके पास सिक्के हैं, तो क्या होता है, ये जो लाल बत्ती है ये चलना शुरू हो जाती है। जब आप बाहर निकलते हो आप, तो चार पांच लोग जो आपको स्वागत करने के लिए आपका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं वहाँ आपको, ठीक है। काम कैसे करता है ये, काम सिंपल इंडक्शन के बेस पे काम करता है और एडी करंट के बेस पे काम करता है। यहाँ पे और यहाँ पे दो कॉइल्स होती हैं, एक को ट्रांसमीटर कॉइल बोलते हैं, एक को रिसीवर कॉइल बोलते हैं। तो इस कॉइल में आप अगर आप टाइम वेरिंग करंट पास करो, फॉर एग्जाम्पल एसी पास करो, तो इसमें इंडक्शन के कारण, दूसरी कॉइल में इंडक्शन के कारण क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगी। तो पहला केस, जब अंदर कोई भी नहीं है, आप पता कर सकते हो कि भाई फॉर गिवन एसी के लिए यहाँ पे कितनी करंट पैदा होगी, राइट। तो अब अगर आप यहाँ में से एंटर करो और आपकी पॉकेट में या आपके पास कोई मेटल का कोई पीस है, तो क्या होगा, उस मेटल के पीस में एडी करंट्स पैदा हो जाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि जो डायरेक्शन होने वाली है वो एडी करंट्स की इसके ऑपोजिट होने वाली है। अब यहां पे आपके पास क्या है, टाइम वेरिंग करंट है, उसके कारण यहां पे भी दो करंट पैदा होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भाई इसके कारण जो करंट पैदा होने वाली है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी जो इसमें करंट पैदा हो रही है इस ट्रांसमिटर के कारण, यानी मेटल के आने के कारण यहां पे जो करंट है वो कम हो जाएगी और उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, और उसके कारण क्या होगा, यहां पे लाल बत्ती बजना चालू हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है ये। तो ये थी कहानी एडी करंट्स की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।